हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं अजय कुमार आज आप सभी को बहुपद एक्सपेरिमेशन नंबर 2.2 मतलब कि आपको प्रश्नावली 2.2 बहुपद का जो हमने टॉपिक शुरू किया था मैथ में क्लास नाइन्थ में शुरू किया था हमने बहुपद मतलब कि संख्या पद्धति का। तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, तो आज हम बताने वाले हैं मतलब कि उसमें बहुपद का एक प्रश्नावली 2.1 हमने बता दिया है। तो आज हम बताने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2.2। अभी आप तक आप लोगों ने देखा कि हमने आपको कुछ इंग्लिश में जो यूज होते हैं उनके बारे में बताया। तो आज हम आपको अब फिर ले चलते हैं मैथ की तरफ। तो आपको हम बताने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ दिया है पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात करो। ठीक, तो यदि यह बहुपद दिया है, इस बहुपद को हम px = 5x-4x² + 3। ठीक, इसको ऐसे मान लेते हैं। यदि px बराबर हमको 0 मिला है, क्या मिला है, 0 मिला है, px बराबर हमको 0 मिला है। तो हल यहाँ देखते हैं कि आपको करना क्या है कि x जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना है, शून्य रखना है। इसमें 5 × x का मान, या फिर x का मान हम 0 रखेंगे, -4 × x, x स्क्वायर है तो यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे +3। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -4 × 0 का वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा +3। ठीक, 0 - 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 + 3। ठीक, अब 0 और 0 तो ये दोनों कट जाएगा, उसके बाद यहाँ बचेगा कितना, 3। ठीक, यही बहुपद का क्या है, हल है। तो px बराबर, जब हमने px बराबर 0 रखा तब हमारा कितना मिला, 3 मिला। अब दूसरे की बात करें, यदि px या x इक्वल टू हमको मिला है x बराबर -1, तो इस बहुपद में px बराबर जो बहुपद है 5x - 4x² + 3, तो इस बहुपद में हमें x के स्थान पर क्या रखना है, -1। तो p-1 बराबर यहाँ 5 × -1 - 4 × अब एक x का मान -1 है तो 1 का स्क्वायर + 3। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ हल करेंगे तो यहाँ इसका गुणा 5 करना, -5 हो जाएगा माइनस। अब देखिए, माइनस यहाँ 4 × 1 का, -1 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो -1 का गुणा 2 बार -, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बार गुणा करेंगे तो, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, +3। ठीक, अब देखिए यहाँ -5, अब इसका गुणा करेंगे तो -4 करना 4 +3। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे 5 4 9 -9 + 3। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, इसको घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 9 में से 6 3 घटाएंगे तो यहाँ 6। ठीक, यही बहुपद का बहुपद, जब x बराबर 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो बहुपद का मान -6 आ जाएगा। ठीक, तो अब आपको बताना है कि x बराबर यदि हम 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा। ठीक, तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ठीक, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए p0 या p1 या p2 का मान ज्ञात करो। ठीक, तो आपको यहाँ बहुपद दिया है py बराबर y² - y + 1, अब दूसरा बहुपद है pt बराबर 2 + t + 2t² - t³, और तीसरा है px बराबर x³। चौथा बहुपद है px बराबर x - 1
अगले क्वेश्चन में x प्लस वन। तो ठीक, आपको सबसे पहले बहुपद में ज्ञात का कर क्या ज्ञात का क्या करना है कि पी एक्स बराबर या पी वाई बराबर हमें सबसे पहले पी जीरो, यहाँ कहने का अर्थ वाई का मान हमें जीरो रखना है। वाई का मान पहले वाले बहुपद में या पहले वाले सवाल पहले बहुपद में वाई बराबर हमें क्या रखना है तो जीरो। तो पी वाई बराबर बहुपद को हम लिख लेते हैं वाई प्लस वन। ठीक, तो पी जीरो वाई का मान हम रखेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस वन माइनस और y का मान जीरो प्लस एक। ठीक, अगर जीरो का दोबारा गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा माइनस जीरो प्लस वन। ठीक, अब इसको इसको घटाएंगे तो यहाँ कट जाएगा और उसके बाद यहाँ अगर तो पी वाई का मान कितना आ गया एक आ गया। ठीक, एक आ गया जब हम y बराबर जीरो रखे हैं तब। अब दूसरी बात करें, यदि यदि पी वाई बराबर या वाई बराबर हम रखेंगे एक, वाई बराबर यदि एक रखेंगे तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ठीक, अब इसी बहुपद में हमें तीन मान यहाँ दिया गया है पी जीरो पी वन पी टू, तो हम सब का मान पहले एक एक करके बहुपद में रखते जाएंगे तो उसी प्रकार y y का मान हमें क्या हो जाएगा मिलता चला जाएगा। ठीक, तो p y का मान यहाँ y बराबर एक रखेंगे तो p वन एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक। ठीक, एक हो जाएगा माइनस एक का दोबारा गुणा करेंगे तो एक ही होगा और एक प्लस वन। ठीक, अब ये प्लस माइनस में कट जाएगा तो यहाँ भी पी वाई बराबर कितना आ गया प्लस में एक। ठीक, अब यदि यदि तीसरा पी वाई बराबर या वाई बराबर हम दो रखेंगे तो वाई का मान यहाँ का क्या रखेंगे दो रखेंगे तो पी वाई बराबर हमारा बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस दो। ठीक, तो अब P2 मतलब कि y का मान हमें क्या रखना है दो रखना है तो यहाँ दो का स्क्वायर करेंगे माइनस दो और प्लस दो। ठीक, तो यहाँ दो का वर्ग करेंगे दो दुना चार माइनस दो प्लस दो, यहाँ प्लस माइनस में है तो एक जब चिन्ह विपरीत रहता है यदि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो और संख्या समान है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पी टू का मान हमारा कितना गया चार आ गया। ठीक, तो यदि p बराबर हम y बराबर हमने रखा दो तो यहाँ पी वाई का मान जो आ गया कितना आ गया चार आ गया। ठीक, तो उसी प्रकार आपको दूसरी और तीसरी यहाँ चौथी सवाल को लगाकर बताना है कि इनका भी मान कैसे निकलेगा या फिर आप तीसरी फिर से आपको हम तीसरी सवाल फिर से बता देते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम तीसरी आपको फिर से बता देते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तीसरी सवाल की तो यहां देखिए px बराबर हमको मिला है x क्यूब। ठीक, तो हमें करना क्या है x बराबर हमें पहले x बराबर हमको रखना है कितना है x बराबर जीरो रखना है तो यहाँ p जीरो x का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो का क्यूब करेंगे तो p x बराबर आ जाएगा कितना जीरो, क्योंकि जीरो का जितनी बार गुणा करेंगे वहाँ जीरो ही आएगा। ठीक, यदि यदि x बराबर एक रखेंगे तो यहाँ p बहुपद में p x बराबर हमारा है x क्यूब तो पी एक्स का मान एक रखेंगे एक का क्यूब करेंगे यहाँ पी वन। ठीक, तो एक का तीन बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से पी एक्स बराबर हमको मिल गया कितना एक। ठीक, पी एक्स बराबर कितना मिल गया एक, या एक्स का मान हमने एक रखा तो पी एक्स का मान कितना गया एक आ गया। ठीक, यदि यदि एक्स बराबर दो रखेंगे तो बहुपद क्या है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक, तो पी एक्स का मान दो का यहाँ क्यूब करेंगे तो पी
टू बराबर दो का तीन बार गुणा करेंगे तो दो गुणे दो गुणे दो, ठीक। अब तीन बार गुणा करेंगे दो गुना चार गुना आठ, तो पी एक्स का मान हमारा कितना आ गया, पी एक्स बराबर आठ, ठीक। इसी प्रकार दूसरे और चौथे बहुपद को आपको हल करके बताना है कि आपको हल आया या नहीं आया। यदि नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम फिर से आपको जरूर बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर पहला दिया है पी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन, जबकि एक्स बराबर माइनस वन अपॉन थ्री रखना है, और दूसरा पी एक्स बराबर पांच एक्स माइनस पाई, ठीक। तो एक्स बराबर चार बटे पांच रखना है, ठीक। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बराबर पहले एक दूसरी बार माइनस एक रखना है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है जबकि x बराबर जीरो दिया है, पी एक्स बराबर m l x प्लस m x बराबर l बटे m रखना है, तो ठीक। पहला हम क्वेश्चन की बात करें पहली, तो यहाँ पी एक्स बराबर है थ्री एक्स प्लस वन, ठीक। तो हमें x बराबर दिया है x बराबर माइनस एक बटे तीन, माइनस एक बटे तीन, ठीक दिया गया है। तो हमें पी एक्स का मान हमें कितना रखना है, माइनस एक बटे तीन, ठीक। माइनस एक बटे तीन, तो तीन गुणे एक्स का मान माइनस एक बटे तीन रखेंगे प्लस एक, यहाँ से तीन गुणे में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस एक प्लस एक, तो यहाँ से एक क्या हो गया, कट गया। तो पी एक्स का मान हमारा कितना आ गया, शून्य आ गया। तो यह क्या है, शून्यांक, शून्यांक है, ठीक, शून्यांक है। यदि इसी प्रकार हम अगर चौथी सवाल की बात करें, यहाँ चौथी सवाल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर हमको रखना कितना है, एक्स बराबर हमें रखना है शून्य, ठीक। तो पी जीरो बराबर, तो एक्स का मान हमें जीरो रखना है, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो पी जीरो बराबर आ जाएगा, जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो, या भी पी एक्स का क्या है, शून्यांक है। मतलब कहने का अर्थ है कि यह संगत बहुपद क्या शून्यांक है। यदि शून्यांक है तो लिख देंगे शून्यांक है, यदि शून्यांक नहीं है, शून्य नहीं आता है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, शून्यांक नहीं है, ठीक। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन तीसरे को देख लिए। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद है कि यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर हम चार की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। कि बहुपद का शून्यांक, अभी आपको बहुपद में एक्स का मान दिया गया था, तो अब आपको बहुपद में एक्स का मान नहीं दिया, तो यहाँ कैसे आपको हल करना है, तो कैसे आपको हल करना है, तो यहाँ देखिए, जैसे पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस पाँच, ठीक। तो एक्स अब यहाँ पी एक्स का मान, पी एक्स बराबर हम मानेंगे क्या, शून्य, ठीक। तो एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना रहेगा, माइनस पाँच, ठीक। तो एक्स का शून्यांक क्या हो जाएगा, माइनस पाँच, ठीक। अब दूसरी, यदि इसी में से अब हम आपको बताएं तीसरी की बात करें, तीसरी सवाल, तो पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस पाँच, ठीक। तो पी एक्स बराबर हमको क्या रखना है, शून्य रखना है, तो यहाँ तो दो एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक। दो एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक। तो दो एक्स बराबर पाँच, एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस पाँच बटे दो, तो यह एक्स का शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक माइनस पाँच बटे दो, ठीक। अब यदि इसी पर हम पांचवी बात करें, पांचवी सवाल की, तो पी एक्स बराबर हमको मिला है ए एक्स, जबकि ए इक्वल टू नॉट शून्य,
जबकि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो हम px बराबर क्या रखेंगे, px बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ ax बराबर शून्य हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ से शून्य बटे x, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे x, ठीक, 0 बटे x हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम आपको 2.2 का बहुपद आज 2 प्रश्नावली 2.2 खत्म होती है। आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के बारे में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।